Hello everyone, welcome back to my channel. So if you want to learn this unique 3D art form, subscribe my channel. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सीखना चाहते हो ऐसे ही 3D ड्राइंग रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल्स. So let's see drawing materials. So first of all, sketch pencils, sketch pen, fiber tip pen, okay. और कलरिंग के लिए आप पेंसिल कलर का यूज कर सकते हो या फिर आप स्केच पेन का यूज कर सकते हो, ओके. उसके बाद ड्राइंग शीट एंड स्केल. चलिए, तो स्टेप नंबर वन. एंड स्टेप नंबर वन, यू हैव टू ड्रॉ अ बेसिक टेक्स्ट. ओके, इस वीडियो में हम सीखेंगे नॉर्मल टेक्स्ट को 3D में कैसे कन्वर्ट किया जाए. ओके फ्रेंड्स, आप जैसे ही मैंने अभी देखिए बैल पोड़ा. ओके, तो हैप्पी पोड़ा टू ऑल ऑफ यू गाइस. सी, मैंने नॉर्मल टेक्स्ट ड्रॉ किया है लाइक दिस. अभी मैं उसको जो है वो डबल लाइन कर रहा हूँ. देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे कीजिए. सो मैं इसे डबल लाइन आर्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ लाइक दिस. सो इट्स वेरी सिंपल ड्राइंग फ्रेंड्स. किसी भी टेक्स्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हो 3D में. ओके, इस पे चाहो तो आप अपना नाम लिखो या फिर किसी भी कंपनी का लोगो या फिर कुछ भी टेक्स्ट होना चाहिए तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो 3D में. ओके फ्रेंड्स, सी, जैसे मैंने इसको डबल लाइन किया लाइक दिस. ये टेक्निक काफी आसान है. पहले सिंगल लाइन में ड्रॉ कीजिए, उसको फिर आप डबल लाइन करना है. ओके फ्रेंड्स, तो इससे ड्राइंग जो है वो काफी फास्ट बनती है. ओके, और अब इसमें स्टाइल भी यूनिक तरीके से आपको इसको डिजाइन कर सकते हो सिंगल लाइन ड्रॉ करके. ओके, सी, ओके, तो इसको ड्रॉ करने के लिए 2B पेंसिल का यूज किया है मैंने. ओके फ्रेंड्स, अब चाहो तो H पेंसिल का भी यूज कर सकते हो. ओके, और इसको फिल करना है. आप अपने हिसाब से कलरिंग कर सकते हो. ओके फ्रेंड्स, ओके, यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड मार्कर का यूज किया है. ओके, सी, इट्स वेरी सिंपल ड्राइंग. इसको हमने फील किया है अच्छे से. अब चाहो तो इसे डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो. ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसको हम बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. अभी जैसे आपका टेक्स्ट है ना, वैसे ही सिंपल तरीके से आपको बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस. सी, इट्स वेरी सिंपल ड्राइंग. जैसे टेक्स्ट है आपका, जैसे जैसे आपका टेक्स्ट जा रहा है वैसे वैसे ही आपको 0.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के आपको लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस. इट्स वेरी सिंपल ड्राइंग. सी फ्रेंड्स, 2B पेंसिल का ही यूज किया है. आप चाहो तो H पेंसिल यूज कर सकते हो. ओके, लाइक दिस. ओके, इट्स वेरी सिंपल ड्राइंग. सी फ्रेंड, चैनल अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. ओके, आपने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है मुझे. मैंने काफी 3D ड्राइंग्स अपलोड की थी फ्लैग्स से रिलेटेड. हाँ, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइज योर काइंड लव एंड सपोर्ट. सो फ्रेंड्स, मैंने काफी ऐसी 3D ड्राइंग्स बनाई है. अभी वो धीरे धीरे आएगी क्योंकि अभी बहुत अभी बीच में बंद हो गया था वीडियो डालना. मेरा सेलफोन जो है वो ख़राब हो चुका था, पानी गया था उसमें, तो मैं शूटिंग भी सेलफोन से ही करता हूँ. तो आई एम सॉरी फॉर दैट. सी, अभी रेगुलर वीडियोस आती रहेगी. ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो इतना होने के बाद हम इससे 3D कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सीखते हैं अभी. सी, जैसे कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोज में आपको बताया है कि आपको एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है. ये बेस लाइन है हमारी, इससे ही हम पूरा 3D ड्रॉइंग बनाने वाले हैं. तो इससे प्रॉपर तरीके से सीखना है. ओके, तो फॉलो कीजिए मेरे स्टेप्स को. देखिए फ्रेंड्स, हमें इंक्लाइन लाइन ही ड्रॉ करनी है. एक टेक्स्ट ड्रॉ किया, बस इंक्लाइन लाइन ही ड्रॉ करनी है इसे भी 3D ड्रॉइंग्स में. सी, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए तो हम डिसाइड करते हैं. इतनी बड़ी हमने जो बेस लाइन ड्रॉ की है लाइक दिस. सी, स्केल रखना है एंड ड्रैग करना है. सिंपल प्रोसेस है एंड इंक्लाइन लाइन आपको ड्रॉ करनी है. ओके फ्रेंड्स, लाइक दिस. सी,
सभी पॉइंट जहां जहां लगता है वहां आपको ड्रॉ करना है लाइक दिस। सी स्केल रखी एंड ड्रैग किया एंड इंक्लाइन लाइन ड्रॉ किया। सी इट्स वेरी सिंपल ड्रॉइंग। यही सेम टेक्निक सभी आपको 3D ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते टाइम यूज करना है। तो अभी से इसे माइंड में बिठा लीजिए कि हमें ये सीखना है, तो आपको इस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए अभी हमने जो किया इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमने कर लिए हैं। अभी देखते हैं टेक्स्ट का हाइट हमने डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, तो 6 सेंटीमीटर मैंने टेक्स्ट का हाइट डिसाइड किया है। आप चाहो तो 3 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो या फिर 4 भी रख सकते हो। अब शीट में जितना जगह आपको उतना ही रखना पड़ेगा। ओके, तो 6 सेंटीमीटर मेरा लगभग हो जाता है शीट में, या फिर उससे बाहर भी चली जाएगी ड्राइंग, तो उससे ज्यादा नहीं रख सकते। ओके, तो 6 सेंटीमीटर लिया है। ओके, सभी पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए 6 पॉइंट्स का। अभी जो डिजाइन हमने ड्रॉ किया है ना, बाउंड्री, वही सेम बाउंड्री अब जो हमने रेफरेंस पॉइंट अभी मार्कआउट किए हैं वैसे ही सेम हमें बनाने हैं लाइक दिस। सी ओके, तो ये ड्राइंग में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, धीरे धीरे इसको सीखना है एंड पेशेंस रखना है, क्योंकि ये जब देखेगा आप जब ड्रॉ करोगे ना तो काफी मैजिकल फीलिंग आएगी कि आपने इसे ड्रॉ किया है। ओके फ्रेंड्स, सी आसान है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती हो तो। ओके सी, चलिए इसे भी हम फाइबर टिप पेन से हम इसको बाउंड्री कर लेते इसकी लाइक दिस। ओके फ्रेंड्स, सी स्केचिंग टाइम, तो स्केचिंग करते वक्त आपको प्रॉपर स्केच पेंसिल ही यूज करना है, नॉर्मल पेंसिल आपको यूज नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, स्केचिंग के वीडियोस मैं अभी डाल रहा हूँ, आने वाले समय में स्केचिंग ट्यूटोरियल्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आएगी, तो आप स्केचिंग सीख लेना तब। अभी आपको 2B पेंसिल का यूज करना है और शेडो के टाइम पे भी आपको 2B पेंसिल का यूज करना है, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। ओके, तो लाइट प्रेशर देना है। ओके, ज़्यादा दबा के प्रेशर देके नहीं स्केचिंग करनी है। ओके फ्रेंड्स, ये सब डिटेल्स मैं बताऊंगा। ओके सी, और स्मूदिंग करते टाइम आपको कॉटन का यूज़ करना है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ गई है अभी ब्लेंडिंग वर्क करने के लिए, अब चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। कॉटन करोगे तो काफ़ी सस्ता भी है, घर में इजीली मिल जाता है और काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। ओके फ्रेंड्स, सी 2B पेंसिल का यूज़ किया है अभी। अभी फिर से हमें सेकंड लेयर कर रहे हैं डार्क डार्क, जहाँ पे हमें शेडो लगती है ज़्यादा होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम उसका यूज़ करेंगे। ओके, तो फाइनल ये कंप्लीट हो गया है। सी फ्रेंड्स, दिस इज़ योर 2D ड्राइंग। ओके, शेडो भी कर लिया है, स्केचिंग बार भी कंप्लीट हो गया है, टेक्स्ट भी अच्छा दिख रहा है। सी ओके, तो इतना आपको सेटअप करना है। सो इतना सब अब ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको देखते हैं 3D में कैसे दिखेगा। सी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये 2D ड्राइंग ड्रॉ किया है। मैं बैल का ड्राइंग आपको सेपरेट बताऊंगा, वो काफ़ी डिटेल में करना पड़ेगा हमें, तो उसका सेपरेट वीडियो आएगा। ओके फ्रेंड्स, सी ये जब 3D में दिखाई देगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब ये कैसे दिखाई देगा, जैसे ये आपका जो सेलफोन का कैमरा है ना, आपका जो मोबाइल है उसका कैमरा ऑन कर लेना और उसको पर्टिकुलर एंगल में देखने की कोशिश करना पेज को। जैसे कि मैंने ये पर्टिकुलर एंगल सेट किया है, तो इस एंगल में ये कन्वर्ट हो जाएगा 3D में। ये सिर्फ आपके मोबाइल कैमरा से ही दिखेगा। ओके फ्रेंड्स, नॉर्मल आईज से ये ड्राइंग नहीं दिखती है, तो इसी को तो इल्यूजन आर्ट कहा जाता है। ओके, जो नॉर्मल आय से हम देखते हैं वो काफ़ी बड़ी ड्राइंग होती है, उसको भी हम सीखेंगे, लेकिन ये कैमरा से रिलेटेड है तो ये आपके सेलफोन के कैमरा से ही दिखेगी फ्रेंड्स। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये पेज के ऊपर ड्राइंग कैसे आ जाती है। देखिए, हमने इसको बस कट करना होता है फ्रेंड्स लाइक दिस, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ये हर कोई ड्राइंग नहीं दिखती है पेज के बाद, तो इसे प्रॉपर 3D एनमोफिक में ही ड्रॉ करना पड़ता है, जैसे कि हमने ड्रॉ किया है, फिर उसको थोड़ा बहुत कट करना पड़ता है। तो ये कटिंग वाली ड्राइंग ना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट सी आपको पता होना चाहिए ये भी ड्राइंग फॉर्मेट, तो इसे 3D ट्री कार्ड कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको भी आप ध्यान में रखें। मैं तो नहीं रिकमेंड करता कि अच्छी ड्राइंग हम कट कर लेंगे फिर वो अच्छी नहीं होती है, अच्छी बात नहीं है। सी
अभी देखिए जो हमारा हमने जो बेल ड्रॉ किया है वो ऐसा लगता है कि पेज के बाहर है, एकदम बहुत बढ़िया दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, सी इट्स वेरी यूनिक आर्ट फॉर्म। आई होप यू गाइज यू विल डेफिनेटली लर्न दिस यूनिक आर्ट फॉर्म। चैनल अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, तो मिलते हैं इसी नई वीडियो के साथ। Happy Pola to all of you.